टू ऑल ऑफ यू टुडे आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट लेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। देखिए लेंस होता क्या है, देख लीजिए पहले। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाई वन आर बोथ सरफेस स्फेरिकल। मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका एक सरफेस या दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो। तो ये कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया, ये ऐसा जो है मटेरियल है दोनों तरफ जो है क्या है, उभरा हुआ है। इसे हम कहते हैं बाई कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स, या सिंपल कहते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस। और इस तरीके से अगर इसको ऐसे देखा जाए, ये बीच में क्या होगा, यानी कि यहाँ पर किनारे पे क्या है, ये निकला हुआ है बाहर और बीच में धंसा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। दिस इज कॉनकेव लेंस। और एक और लेंस होता है, जैसे ये देख लीजिए इस तरीके से बना हुआ, तो ये है, ये भी इसे हम कहते हैं मोनो कॉन्वेक्स लेंस, मोनो कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें वन पार्ट ये प्लेन पार्ट हो गया, दिस इज प्लेन, और ये क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स है। और एक होता है मोनो कॉनकेव, मोनो कॉनकेव, लेंस। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये फोर काइंड ऑफ लेंस हैं। हम यहाँ पर केवल इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस जो कि बाई कॉन्वेक्स है, और ये है कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस उसे कहते हैं विच इज थीकर एट द इन द मिडिल, थीकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। और कॉनकेव लेंस क्या होता है, इट इज ए थीकर एट द एजेज एंड थिनर इन द मिडिल। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। इसमें पॉइंट क्या क्या होता है, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर अगर हम ये मिलाते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें हम ड्रा करते हैं, यहाँ पर जो लाइन ऐसे ड्रा करके बात आती है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ओ। ये लाइन जो ड्रा की गई है, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो। यहाँ पर इसका आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए, तो यहाँ हो जाएगा ये सी वन, और इसका हाफ डिस्टेंस जो होगा ये एफ वन, फोकस है प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया। और इधर हम बात करते हैं यहाँ पे इस सरफेस का, देखिए यहाँ बनता है, तो ये हो जाएगा ये सी टू है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ आता है एफ टू, दिस इज सी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी टू हो गया। तो इस तरीके से ये हुआ। और कॉन्वेक्स लेंस के बाद हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस में भी ये इसी तरीके से बनेगा, दिस इज कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा, वही चीज़ सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ। और
यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ जिस यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्टिंग है, तो इट इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया। यहाँ पर इसका जो कर्व लाइन आ रही है, कर्व सर जो बनेगा, सेंटर यहाँ पर आ गया, तो ये सी वन हो गया। इसका हाफ डिस्टेंस यहाँ से लेकर ओ से लेकर के ये हो गया एफ वन। फिर इस कर्व के देख लिए देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सी टू, और इसका हाफ डिस्टेंस यहाँ जाएगा एफ टू। तो इस तरीके से ये दोनों में पॉइंट पाए जाते हैं, दोनों लेंस में। और अब हम आगे बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। देखिए पॉइंट है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये हमको देखना है। तो देखिए जैसे ये लाइट रे ऐसे है, यहाँ पे F2 है, यहाँ C2 है, F1 है, यहाँ पर C1, ये है ऑप्टिकल सेंटर O है, दिस इज कॉल्ड एज O। अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होकर के लौट जाती है। इस तरीके से इसे हम कहते हैं अ लाइट रे कमिंग। देखिए अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होकर के ये लाइट रे पास करती है, यहाँ से होकर जाती है। अब देखिए सेकंड कंडीशन है व्हेन लाइट रे, देखिए यहाँ पर इसको दिखा दूँ, पहले बना दूँ, ये हो गया, दिस इज फोकस एफ वन सी वन एफ टू, दिस इज सी टू, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ। अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होकर आने वाली लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यह पैरेलल हो जाती है। देखिए यहाँ पर लाइट रे जो है इधर से आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद हो जाती है पैरेलल, मतलब कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड कंडीशन ये सेकेंड था। अब हम थर्ड की बात करते हैं। देखिए ये हुआ और इसमें हम ऐसे ड्रा करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये ड्रा कर दिया, यहाँ पर हो गया C2, यहाँ हो गया F2, ये F1 है और यहाँ C1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइट
बिना डायरेक्शन, बिना अपना पाथ चेंज किए सीधे उसी रास्ते पर चली जाती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। यहाँ लिखना पड़ेगा लाइट रे पासिंग पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, डज नॉट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते से ये मुड़ता नहीं है। अगर वो लाइट रे कहाँ से को जा रही है, प्रिंस ये ऑप्टिकल सेंटर से, ध्यान रखिएगा यही इतने पॉइंट्स हैं। अगर वो लाइट रे इधर मूव कर रही है, पैदल पैदल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगा, और अगर फोकस से होकर के आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद यह पैदल हो जाएगा एक्सिस के, और अगर कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रहा है तो विदाउट डिफ्लेक्शन वह लाइट रे सीधे निकल जाएगी, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव का, कॉनकेव लेंस, इसका देख लीजिए। पहला कंडीशन यही हम इसमें बताएंगे, देखिए ये हुआ, ये एफ वन है, ये सी वन है, ये एफ टू है, इधर सी टू है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ है। अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल आ रही है, पैरेलल आती है तो ऐसा लगता है कि इट ऐसा बेंड करेगा कि एज इट अपीयर्स इट इज कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लगता है कि ये यहाँ से होकर के आ रही है। यह लाइट जो है लाइट रे इट विल कन्वर्ज, ये कन्वर्ज हो जाती है, दूर भाग जाती है इस तरीके से, ये इट विल डाइवर्ज, डाइवर्ज कर देती है। द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस एज इट अपीयर्स इट इज कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज डाइवर्ज्ड, इसलिए इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि यह लाइट को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग के नाम से इसको जानते हैं। और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग होता है और इधर क्या है, ये डाइवर्जिंग है। अब एक और कंडीशन देख लीजिए, सेकंड कंडीशन इसमें आता है, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस एफ वन, ये सी वन है, एफ टू है, ये सी टू है। अब जैसे कोई लाइट रे इधर जाती है, गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, अब लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है, जैसे इधर से इसके सीध में आ रही है, और लाइट रे गोइंग ऐसा अगर दिखता है कि ये इसकी तरफ जाके मिलेगी, लेकिन होता क्या है कि आफ्टर रिफ्रेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये हो जाता है पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा ये लाइट रे, ऐसे हो जाएगी। मतलब अगर ये लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है, इसके सीध में आ रही है, तो रिफ्रेक्शन थ्रो आफ्टर रिफ्रेक्शन थ्रो कॉनकेव लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल हो जाता है। ये चीज़ें हैं, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इसको ध्यान दीजिए, ये ऐसे बनना चाहिए था लाइट रे, ये लाइट रे ऐसे बनना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा एफ वन और यहाँ पर सी वन, ये सी वन है, एफ वन है, और ये हमारा क्या है, एफ टू है, और ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा सी टू, तो इस तरीके से बनेगा। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, वही जो उसमें था,
लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इनके ऑप्टिकल सेंटर से अगर होकर कोई लाइट रे जा रही है, इसे यहाँ पर ओ है, ये एफ वन है, यहाँ सी वन है, एफ टू है और ये सी टू है। तो लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस, तो इट विल आल्सो गो विदाउट डिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही लेंस में जैसे आपने यहाँ देखा कि इट इज़ गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डिफ्लेक्शन एंड हियर आल्सो द लाइट इज गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डिफ्लेक्शन, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और बाकी दोनों में आप देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, मैंने तो बता ही दिया, दोनों में किस तरीके से लाइट रे बेंड करती है, कैसे कहाँ मुड़ती है, ये मैंने बता दिया। अब इसके बारे में आगे हम बताएंगे हाउ टू इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में कल हम बात करेंगे। आज इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।